चुलेसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं झाबुआ से, जहां कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया के बोल बिगड़ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी इन्होंने दी है। उन्होंने कहा है कि पीएम के परिवार को लेकर मंच से विवादित बयान इन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान को लेकर सवाल उठाए, साथ ही आदिवासी सम्मान यात्रा के समापन में भी विवादित बयान इन्होंने दिया है। कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया के बयान जो है अब सुर्खियों में है। पीएम मोदी पर इन्होंने निशाना साधा है। हालांकि अनादि टीवी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, मगर ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया को यहाँ पर बयान देते सुना जाता है। और ये बयान कोई आम बयान नहीं है। प्रधानमंत्री पर इन्होंने टिप्पणी की है, साथ ही महिलाओं के सम्मान को लेकर बड़े सवाल इन्होंने प्रधानमंत्री पर उठाए हैं। क्या कुछ कहा इन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। महिलाओं के सम्मान में बहुत सारे काम कर दूंगा। क्या करा महिलाओं के साथ, उसके घर में नहीं कर पाया, उसकी घरवाली बेचारी दुखी भटक नहीं देते। मोदी की जो घरवाली है वो बेचारी रोती फिर रही है, वो रोजाना खाकर झाड़ता फिर रहा। महिलाओं के सम्मान में बहुत सारे काम कर दूंगा। क्या करा महिलाओं के साथ, उसके घर में नहीं कर पाया, उसकी घरवाली बेचारी दुखी भटक नहीं देते। चलिए इसी के साथ झाबुआ से हमारे सहयोगी दशरथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दशरथ, झाबुआ से काफी विवादित बयान सामने आया है विधायक कांतिलाल भूरिया का, क्या क्या कुछ अपडेट है? जी बताना चाहूंगा मैं, जो कांतिलाल भूरिया ने राणापुर में एक बैठक को संबोधित के दौरान प्रधानमंत्री देश नरेंद्र मोदी पर अभद्रता की टिप्पणी की थी, जिसको लेकर भाजपा में काफी आक्रोश है और जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह कांतिलाल भूरिया का पुतला जलाकर उनसे माफी मांगने की मांग की है। जी बिल्कुल, तो इन्होंने बयान के बाद कोई माफी, क्योंकि प्रधानमंत्री पर इन्होंने टिप्पणी दी है और काफी बात उनके पारिवारिक जीवन को लेकर यहाँ पर कही है, तो अभी तक इनकी तरफ से कोई माफी मांगने की बात या ऐसी कोई बात सामने आई है? जिले की भाजपा के कार्यकर्ता लगातार मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री जो पूर्व में रहे कांतिलाल भूरिया और भी वर्तमान में झाबुआ के विधायक है, जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की नरेंद्र मोदी पर, जिनको परिवार पर पूरा जो टिप्पणी की है उसको लेकर के लगातार यहाँ पर आक्रोश दिख रहा है। लोगों ने कल यहाँ पर पुतला दहन किया है, आज भी बैठक चल रही है, कुछ क्या कार्रवाई करने के लिए वो आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। जी जी, ये बयान कहाँ पर दिया गया, क्योंकि ये वीडियो हमने अभी देखा, किस दौरान ये बयान दिया गया और कौन कौन इस समय मौजूद था दशरथ? जी ये बिल्कुल बताना चाहूंगा मैं, राणापुर में 7 अगस्त को आदिवासी वन यात्रा का समापन जो जहां पर होना है उसको लेकर के बैठक आयोजित करके थी, जहां पर सारे कार्यकर्ता उपस्थित थे, तीनों विधानसभा के विधायक उपस्थित थे। उनके बीच में इन्होंने इस अपने प्रदेश के प्रधानमंत्री मोदी पर ये टिप्पणी की थी। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका दशरथ हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया के बोल यहाँ पर बिगड़ गए हैं। प्रधानमंत्री पर उन्होंने टिप्पणी दी है, उनके पारिवारिक जीवन को लेकर उन्होंने बयान दिया है, महिलाओं के सम्मान को लेकर भी इन्होंने सवाल किए हैं। इनका सवाल करना सही था, मगर जिस लहजे में इन्होंने सवाल किए और जिस लहजे में इन्होंने टिप्पणी की, इससे भाजपा के कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा रोष व्याप्त है और भाजपा कार्यकर्ता जो है इनसे माफी मांगने की बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी के पारिवारिक जीवन को टिप्पणी करना उस पर काफी गलत माना जाता है। और भरे मंच पर अगर ये इस प्रकार की बातें प्रधानमंत्री के लिए कहते हैं तो भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष हो ये भी लाजमी है। तो देखना खासी होगा कि क्या ये आने वाले समय में माफी मांगते हैं अपने शब्दों के लिए या नहीं। हालांकि अनादि टीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, जब तक ये खुद आगे आके जो है ये बात एक्सेप्ट ना कर ले, मगर ये वीडियो फिलहाल तो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, क्योंकि उन्होंने बात ही ऐसी कही है। हमने आपको सुनवाया कि इन्होंने क्या कुछ टिप्पणी की, पीएम के परिवार को लेकर उन्होंने बात कही, महिला सम्मान को लेकर बात कही, साथ ही आदिवासी सम्मान यात्रा के समापन पर ये बयान इन्होंने दिया।